नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ इस इंडस्ट्री में है ही नहीं। नेपोटिज्म सिर्फ एक फैंसी वर्ड है जिसको इस इंडस्ट्री में बार बार रिपीट मोड पर इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड की एक स्टार किड है जिन्होंने नेपोटिज्म के बारे में खुलकर कहा है, और इस स्टार किड ने कहा है कि अगर नेपोटिज्म होता तो मैं नंबर वन ब्रांड एम्बेसडर होती नेपोटिज्म की, क्योंकि मेरी मदर हीरोइन रह चुकी है, मेरी ग्रैंड मदर भी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती थी, मेरी सिस्टर एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, मेरे कजिन्स भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन आज मैं उनके बराबर भी नहीं। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि काजोल की बहन तनीषा है। तनीषा ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में नेपोटिज्म के बारे में बात करते हुए कहा कि नेपोटिज्म का जो मुद्दा है वो बिल्कुल रबिश है, इस पर बहस करना ही टाइम वेस्ट है। तनीषा का कहना है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में बाहर से आते हैं और फिर वो बड़े बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो कितनी मुश्किलों से इतने मुकाम तक पहुंचे हैं। माना कि वो मुश्किलों से पहुंचे होंगे, लेकिन उनके बारे में इंडस्ट्री की पहले से ही कोई राय तो नहीं थी। ये पहले से ही जो राय बनी हुई होती है ना, ये परेशान करती है। जब भी कोई स्टार किड आता है तो तुरंत उसका कंपैरिजन हो जाता है, वहीं आउटसाइडर का कंपैरिजन होता ही नहीं है। इसके आगे तनीषा एग्जांपल देती है कि ये तो धर्मेंद्र का बेटा है, इसे धर्मेंद्र के जैसा होना चाहिए, ये तनुजा की बेटी है तो इसको तनुजा की तरह होना चाहिए। ये सब आउटसाइडर के साथ तो नहीं होता है ना, वो तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह आते हैं और इसी चीज़ का उन्हें बेनिफिट मिलता है। हमारे बारे में तो ऑलरेडी लोगों की राय बनी हुई होती है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है, दोनों तरफ से झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, तनीषा ने आलिया, रणबीर और वरुण का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ये सभी स्टार किड है लेकिन आज ये इंडस्ट्री में सर्वाइव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पिता का सरनेम या इनका पिता का नाम है इंडस्ट्री में, बल्कि ये अपने टैलेंट की वजह से है। इन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अपनी बात को ख़त्म करते हुए तनीषा कहती है कि अगर नेपोटिज्म जैसी चीज़ कोई इस इंडस्ट्री में होती तो मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल होती। मेरी मदर बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मेरी बहन काजोल जैसी नंबर वन एक्ट्रेस है, रानी मुखर्जी मेरी कज़िन है, और अयान मुखर्जी जो बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है, डायरेक्टर है, वो मेरा कज़िन है। इनफैक्ट अगर बात करें तनीषा के जीजू की तो अजय देवगन जैसे सुपरस्टार उनके जीजू है जिनका प्रोडक्शन हाउस भी है। अगर नेपोटिज्म चाइल्ड का या नेपो किड का कोई पोस्टर बनता तो उस पर मेरी ही फोटो होनी चाहिए थी। अगर आपको नेपोटिज्म के बारे में बात ही करनी है तो आप मेरा करियर देख लो और फिर बात कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म काम करता है या नहीं। तो कुछ इस तरीके से तनीषा ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर बात करी। आपको बता दें कि तनीषा ने इंडस्ट्री में कुछ फिल्में की, यशराज कैंप से वो लॉन्च हुई थी, लेकिन एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बन पाई वो। हालांकि जहां तक तनीषा की बात है कि उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तनीषा का करियर रहा है, अगर उसी तरह का करियर आज एक आउटसाइडर का होता तो उसके पास ये भी मौका नहीं होता कि इस तरह से मीडिया में उसके इंटरव्यू हो और उसकी राय मायने रखती हो। मीडिया उसको बात तक नहीं करता है और उसे प्लेटफॉर्म तक नहीं दिए जाते हैं। तनीषा के फ्लॉप एक्ट्रेस होने के बावजूद वो इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो समय समय पर इवेंट्स में नज़र आती है, कभी रैंप वॉक करती है, कभी किसी शो में गेस्ट बनकर जाती है, और मीडिया भी उन्हें इंटरव्यू करता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रिविलेज फैमिली से वो आती है उसकी वजह से ही वो आज भी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही है, जो मौका एक आउटसाइडर को नहीं मिलता है।